Welcome back to a new episode of One Dojo. Our core initiative is to promote MMA in India. And today on our show, we have someone who's actually an icon in the sport of MMA in India. He is India's one of the first MMA champion in two weight categories. Let's welcome Pawan Maan. Hello. Pawan bhai, kaise hain? Bilkul theek ho. Pawan bhai, aapki fight hai Matrix Fight Night mein, jo ki main event hai Jason ke against. Ye rematch hai. To isse pehle ki hum start kare, kuch message dena chahenge Jason ko? MFN 4 में 7 फरवरी को तेरे से फाइट है मेरी और अब की बार तेरी इतनी गंदी दही टूटने वाली है रिंग में तेरे को भगा भगा के मारूंगा पिछली बार भी बोला था पिछली बार वो बात साबित हो गई थी पर बाय चांस चलो कोई हार जीत चलती रहती पर मैं हार गया था पर अब की बार तू नॉकआउट भी होगा पिटेगा भी तेरे को मैं रिंग में भगाऊंगा भी भागने का मौका भी दूंगा और तू नॉकआउट से ही गिरेगा चाहे तू ग्राउंड में आ जाइयो बीजेजे खेल लियो तू ऊपर खेल लियो खड़े होकर खेल ले भाग के खेल ले तेरी पिटाई पक्की है So Jason, you have a message from Pawan. He's going to rock your world in the ring. ये आपको भगा भगा के इस बार खिलाने वाले हैं आपकी फाइट में. Pawan भाई, आपने अपना करियर स्टार्ट किया था बॉक्सिंग के साथ, फिर आपने SFL खेला जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली. अभी आप मैट्रिक्स फाइट नाइट में खेल रहे हो. MFN 4 में आपको मेन इवेंट मिला है. आपने बीच में शायद थोड़ा एक फाइट के लिए आप ब्राजील भी गए थे ब्रेव में. हाँ जी, हाँ जी. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है SFL और मैट्रिक्स के साथ? SFL से मतलब मैं 2012 से खेल रहा हूँ SFL मतलब अच्छा हुआ है क्योंकि मैं पहली जो फर्स्ट फाइट थी मेरी वो श्रीकांत के साथ थी मतलब पहले मुझे पता ही नहीं था कि भाई गेम क्या होता है क्योंकि मैं तो एक रोड फाइट की तरह पहले टीवी में राजेंद्र मीणा को देखा था खेलते हुए फिर उसको देखा भाई मेरा दोस्त ही है दोस्त है वैसे वो मेरे साथ ही बॉक्सिंग करता था भाई इसे खेला देखा भाई टीवी में आ रहा है तो थोड़ा मेरा मन करा खेलने का वैसे मैं जब मेरा बाइसेप्स 18.5 इंच का था फिर मैं स्टार्ट करा बड़ी मुश्किल से जब प्रैक्टिस करते करते रोने भी लग जाता था हाथ सीधे वीधे नहीं होते थे मेरे तो देखा फिर मैंने बात बात करी अपना SFL में कि मैं फ़ाइट खेलना चाहता हूँ फिर मेरी श्रीकांत से फ़ाइट हुई थी तो MMA का मेरे को पता नहीं था मतलब क्या होता है क्या नहीं होता भाई फर्स्ट फाइट थी थोड़ा सा मतलब हल्का सा घबराहट थी पर पावर अच्छी होने के कारण फिर उससे मेरी फ़ाइट हुई फिर वो मेरे ग्राउंड में पता नहीं मतलब नीचे ले जाके कुछ कर रही कोशिश कर रहा था पर मैं रोड फाइट की तरह ही ले रहा था उसको उसने मेरे पैर वैर पकड़ने की कोशिश करी गिराया पर वो कुछ हो नहीं पाया था क्योंकि पावर के हिसाब से मुझसे ज़्यादा पावर थी वेट सेम था पर पावर ज़्यादा थी पर फिर वो फर्स्ट राउंड ख़त्म हुआ फिर दूसरे राउंड में मैंने उसे नॉकआउट कर ही दिया था फिर मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ा फिर भी 15 ही दिन हुए थे मेरे को ट्रेनिंग स्टार्ट किए हुए फिर उसके थोड़े से दिन बाद मेरी रविंदर बलारस से फ़ाइट हुई थी उसके बाद बलारस से फ़ाइट करने के बाद भाई नीचे ग्राउंड में बार बार फाइट जा रही थी उसमें पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना पर फिर भी मैं डिफेंस करता रहा फिर उस दो फाइटों से मेरे को अच्छा सीखने को मिला भाई इस गेम में बॉक्सिंग चाहिए ही चाहिए मतलब ग्राउंड में भी खेलना है बीजेजे भी चाहिए इसमें रेसलिंग भी चाहिए सारे ये गेम मतलब सारी चीज़ों से ही बना हुआ है जब तक ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती जब तक MMA नहीं हो सकता अगर कोई बॉक्सर अगर खेलना चाहे MMA कि भाई बॉक्सिंग से जीत जाऊँगा तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो फाइट ग्राउंड में जाने के बाद बॉक्सर बिल्कुल जीरो हो जाता है सो पवन भाई आपने अपने करियर को इंजरी के बाद थोड़ा ब्रेक दिया और फिर आपने एक बहुत अच्छा कमबैक किया SBL में सुपर बॉक्सिंग लीग में और उसके बाद आप SFL में भी खेलने आए जिसमें आपकी फाइट जेसन के साथ थी आप काफ़ी टाइम से जेसन को चुनौती दे रहे थे और वो फाइनली फाइट हुई SFL में 2018 में वो मेरी बैक इंजरी हो गई थी बैक इंजरी के कारण मैं मतलब बहुत परेशान रहता था मतलब वर्कआउट होता नहीं था पर उससे पहले मतलब जेसन से पहले मेरी SBL की ट्रायल हुई थी जिम में तो जेसन आ गया था मैं ट्रायल बनने के लिए उसको क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था मतलब जो भी उसको क्यों दिल्ली का कैप्टन बन रहा था बॉक्सिंग में तो वो सोच रहा था मैं इसको हरा के कैप्टन बन जाऊँगा फिर उसने ट्रायल दी और ट्रायल में बहुत ज़्यादा पिटा किससे पिटा वो मुझसे ही पिटा था ट्रायल में बहुत ज़्यादा पिटा मुझसे और उसने मतलब फर्स्ट राउंड में उसने फाइट छोड़ दी कह रहा मैं इसे बॉक्स में नहीं कर सकता इससे और उसने ग्लव्स निकाल के फेंक ही दिए थे करी नहीं उसने फाइट फिर वो चैलेंज चलता रहा मतलब कि वो फाइट मतलब 4-5 साल हो गए थे उसको मतलब कि भाई मेरे को बेल्ट की फ़ाइट चाहिए इससे बेल्ट की फ़ाइट चाहिए पर वो लीग थी लीग में कोई बेल्ट वेल्ट का कोई वो नहीं होता सो पवन भाई आपकी और जेसन की बातचीत बहुत पुरानी है हाँ जी हाँ जी सो पवन इज़ वन ऑफ दोज फाइटर्स जो कि पूरा अपना ट्रेनिंग कैंप इंडिया में करते हैं पूरा दिल्ली में ट्रेनिंग करते हैं और आजकल हम पवन भाई बहुत सारे ऐसे फाइटर्स देख रहे हैं जो फुके में जाके ट्रेनिंग करते हैं या कहीं कुआलालंपुर में जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं या यूरोप में जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं आपने अपनी पूरी ट्रेनिंग केवल दिल्ली में की है
तो कुछ जो उभरते एथलीट्स हैं जो कि प्रो खेल रहे हैं या खेलना चाहते हैं, वो अपना ट्रेनिंग कैंप कैसे कंडक्ट करें, कुछ मैसेज हैं उनके लिए? भाई जो तुम बाहर ट्रेनिंग करने जाते हो उससे अच्छे हमारे इंडिया में रेसलर हैं, जूडो प्लेयर हैं, मेरे जितने भी जूडो सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, मैं उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, अच्छे प्लेयर हैं वो सारे के सारे, एशियन वेशियन में मेडल भी हैं उनके, उन्हीं के साथ सारी ट्रेनिंग करता हूँ। भाई जो बॉक्सर है उनको रेसलरों के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए, जूडो वालों के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए और बीजेजी की क्लास लेनी चाहिए। मतलब आप ढूंढोगे तो दिल्ली में बहुत सारे मतलब क्लब हैं जो बीजेजे कराते हैं, उनके पास ट्रेनिंग करने जाओ। ये मत सोचो कि भाई बॉक्सिंग आती है आपको या आप वुशु के प्लेयर हो सिर्फ, कि आप इसी से जीत जाओगे, किक से और बॉक्सिंग से इससे नहीं जीत सकते। इसमें सारी चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि टीवी शो होता है बड़े, हमें MFN4 इतने बड़े शो पे लेके जा रहे हैं भाई, हमारे को टीवी में दिखाते हैं और ये फाइट में मतलब अगर हम अच्छी नहीं करते तो फ्लॉप हो जाता है शो, ये होना नहीं चाहिए ऐसे। मतलब जब भी प्लेयर कुछ भी मतलब गेम प्लान करके जाता है तो उसको सारी चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि सब पूरी जनता को ही मजा आएगा जब सब देखेंगे, उनको अच्छा लगना चाहिए फाइट में और जब ही जीत पाओगे जब तुम सारी चीज़ें आती हैं तुम्हें। बिल्कुल सही पवन भाई, आई थिंक अगर फाइटर्स चाहें तो वो अपना कैंप इंडिया में भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है फुके टॉप टीम या फिर मोनार्की MMA या फिर यूरोप में कहीं जाके ट्रेनिंग करने की। पवन इज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन रन अ ट्रेनिंग कैंप इन इंडिया एंड स्टिल डू वंडर्स इन द स्पोर्ट। पवन भाई आपके फेवरेट फाइटर्स कौन से हैं इंडियन सर्किट में? मेरा फेवरेट फाइटर का मतलब अभी जो चल रहा है वो कांतारा, अच्छी फाइट करता है अभी, बाहर से उसने फाइट करी है, मतलब ब्रेव में फाइट की थी तो अच्छी फाइट थी वो, मतलब पूरे दोनों तीनों राउंड में फाइट चली है, अच्छी फाइट थी, अच्छा फाइटर है वो। जैकी भी मेरा अच्छा दोस्त है, मतलब अच्छी फाइट करी है उसने, बॉक्सिंग अच्छी दिखाई भाई, ग्राउंड में तो है ही अच्छा प्लेयर पर बॉक्सिंग अच्छी खेली तो वो भी अच्छा फाइटर है। और पवन भाई इंटरनेशनल सर्किट में आपके फेवरेट फाइटर्स कौन कौन से हैं? मेरे फेवरेट फाइटर हैं GSP और जॉन जॉन। GSP and John Jones are my favorite fighters too. So this year, Matrix Fight Night is going international. MFN 4 is happening in Dubai on 7th of February 2020. Pawan Maan is fighting Jason once again. This is a rematch. Pawan, pehla match haar gaye the. Jason won via submission. Though, in the first round, Pawan made Jason run a marathon. Pawan bhai, dobara koi message hai Jason ke liye? Jason, tere itne gande maarunga, saale. आपकी बार तेरे भगा भगा के नहीं मारा ना, अब तू कुछ भी कर लियो, कुछ भी नीचे ऊपर कहीं आ जाइयो, तू तेरे इतने गंदे मारूंगा ना, रिंग छोड़ भाग भाग भागे कि मेरे को निकाल दो, पिंजरे को खोल दो एक बार, जैसे शेर के आगे हिरन होता है ना, तू इस बार उस बंदे के फंस रहा है क्योंकि पूरी प्रैक्टिस में हूँ, तेरी इतनी गंदी देही तोड़ूंगा, तू कुछ भी तो कर लियो, तू पिटेगा भागेगा कि भगवान यहाँ से इस रिंग से निकाल दो मुझे, मैं ही फेंकूंगा तेरे को जबरदस्ती बाहर। पवन भाई थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए और आप एक ऐसे खिलाड़ी हो जो कि बहुत सालों से, आई थिंक 8 साल से और 8 साल से ज़्यादा से आप इंडियन MMA सर्किट में एक्टिव हो। वन दोजो का जो हमारा चैनल है इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम अच्छे से अच्छे फाइटर्स को अपने शो पे बुलाएं और इंडिया में हम MMA को प्रमोट करें, बिकॉज द फ्यूचर इज़ ब्राइट, वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन इंडिया, द पोटेंशियल इज़ ह्यूमंगस, द फ्यूचर इज़ ब्राइट एंड विद MFN एंड सिमिलर प्रमोशंस The scene is absolutely lit. Thank you so much, Pawan bhai. आप हमारे शो पे आए। अब मैं MFN को थैंक यू बोलना चाहूँगा, टाइगर श्रॉफ की पूरी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो पता इतना बड़ा लेवल उन्होंने स्टार्ट किया है, उनके लिए थैंक यू। Pawan is an icon in Indian MMA and his contribution to Indian MMA cannot go unrecognized. So in an effort to recognize his contribution and his dedication to the sport, we at One Dojo want to present him this small award. For his contribution to MMA in India. Thank you so much, Pawan bhai, आप हमारे शो पे आए। ये हमारी टीम की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए, to recognize your efforts and contribution to MMA in India. Thank you. साथ ही साथ, we have a small gift for you. I hope you would like it. Thank you. Thank you so much, Pawan, for coming on our show. Thank you so much for watching this episode of One Dojo. Stay tuned for more updates on MMA.